Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. ये आप लोगों का न्यू चैप्टर है जो इस वीक में आप लोग अपनी कॉपी में डन करेंगे. आप लोगों को हैंड आउट्स मिल जाएंगे, उसमें आप लोग जो काम दिया गया है वो काम आप लोग अच्छे से डन करने के बाद आज हम इसकी बुक की वर्किंग स्टार्ट करेंगे. बुक की वर्किंग के लिए आपको आना है पेज नंबर 102 पर. पेज नंबर 102 पर आपको तीन एक्सरसाइजेज नज़र आ रही हैं, एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज सी. इस पर मैंने होमवर्क मेंशन किया है. होमवर्क मेंशन करने का मतलब है कि ये आपको चैप्टर रीड करके खुद करनी है तीनों एक्सरसाइजेस. फर्स्ट वाले में क्या करना है, सर्कल द राइट आंसर. जब आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. आपको इसमें से सही आंसर पर टिक करना है. बी में आपको क्या करना है, ट्रू फॉल्स है, ये जो ट्रू होगा उस पर आप टी लिख देंगे, जो फॉल्स है उस पर आप फॉल्स लिख दीजिएगा. सी एक्सरसाइज में आपको करना है स्टेट हु सेड द फॉलोइंग डायलॉग्स टू हूम. अब आपको बताना है कि ये डायलॉग्स जो हैं वो किसने किसको कहे हैं. फर्स्ट डैश में आप लिखेंगे जिसने ये डायलॉग कहे हैं, और सेकंड डैश में आप उसका नाम लिखेंगे जिसको ये डायलॉग कहे गए हैं. ये तीनों एक्सरसाइज आपको खुद करनी है. नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर 103 पर ऊपर 4 और 5 भी आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज सी का ही रिमेनिंग पार्ट है. देन मूव टूवर्ड्स दी नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज है आप लोगों की वर्ड स्मिथ पर. वर्ड स्मिथ में आपको क्या करना है, करेक्ट स्पेलिंग को अंडरलाइन करना है. मैंने आप लोगों को करके बता दिया है करेक्ट स्पेलिंग पर अंडरलाइन. कॉटेज की करेक्ट स्पेलिंग ये है, इस पर अंडरलाइन कर दिया है, बाकी भी इसी तरह अंडरलाइन करना है. देन नेक्स्ट पेज है आप लोगों का प्रेपोजिशन का. पेज नंबर 104 पर आपको प्रेपोजिशन करनी है. प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन जो है वो तीन तरह की होती है. प्रेपोजिशन टाइम भी बताता है, प्रेपोजिशन पोजीशन भी बताता है, और प्रेपोजिशन हमें प्लेस यानी जगह भी बताता है. अब यहाँ पर आपको बॉक्स में जो है, सबसे पहले मैं समझा रही हूँ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को रेड पेन से जो है यहाँ पर अंडरलाइन होकर जो आपको ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं, ये है आपके प्रेपोजिशन जो हमें टाइम बताते हैं. पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947, यानी पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, 14 अगस्त 1947. तो ये ऑन जो है यहाँ पर आपको ऑन प्रेपोजिशन शो कर रहा है. बिल्कुल इसी तरह इन प्रेपोजिशन शो कर रहा है. नाइट से पहले एट लिखा हुआ है तो ये भी आपको प्रेपोजिशन शो कर रहा है. तो आपको यहाँ पर प्रेपोजिशन शो किए हुए बताए गए हैं. आप लोगों को मिड टर्म में भी प्रेपोजिशन समझाए गए हैं, बिल्कुल उसी तरह ये आपको करना है. अब यहाँ पर एक्सरसाइज ए है. एक्सरसाइज ए में आपको प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पर टिक करके उसको डैश में लिखना है. आई रिसीव अ कॉल डैश मिडनाइट, यानी मुझे कॉल आई डैश मिडनाइट. एक जगह बता, टाइम बता रहे हैं मिडनाइट यानी आधी रात को. तो आप इस पे ऐट पे टिक करेंगे और डैश में ऐट लिख देंगे. बिल्कुल उसी तरह सारी एक्सरसाइज आपको डन करने के बाद प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन. प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन क्या होता है, द प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन टेल्स वेयर समथिंग इज. पोजीशन का मतलब है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, वो पोजीशन है. आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, बिहाइंड, अबव, बिलो, ये सारी चीज़ें जो है हमें पोजीशन बताती है. अंडर, ऑन, ये देखें आप, अबव यानी ऊपर, अंडर यानी नीचे, ऑन पर यानी किसी चीज़ के ऊपर, बिहाइंड पीछे, इन अंदर, ये सारी इसके प्रेपोजिशंस ऑफ पोजीशन है. नेक्स्ट पेज पर आ जाएं. नेक्स्ट पेज नंबर 105 है ये आपका. इस पर आपको एक्सरसाइज नज़र आ रही है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन. अब यहाँ पर आपको पिक्चर्स भी दी हुई हैं, ब्रैकेट में भी आपको दिए हुए हैं कि आपको चूज करना है सही प्रेपोजिशन और उसको डैश में लिखना है. द कैट इज़ डैश द टेबल. अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक टेबल है और उसके नीचे जो है वो कैट है, यानी उसके अंदर जो है वो कैट है. तो आप क्या करोगे, अंडर, टेबल के अंदर है तो आप लिख दोगे अंडर द टेबल. अब टू पर मैंने होमवर्क मेंशन किया है तो ये आपको होमवर्क में खुद करना है. थर्ड वाला मैंने करके बता दिया है. फोर और फाइव आपको खुद करना है. देन उसके बाद सिक्स वाला है द बॉल वॉज हिडन डैश द लीव्स.
यानी बॉल जो है वो छुप गई है लीव्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर छुपी हुई है यानी बॉल छुप गई है, तो यहाँ पर ऑन आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह आपको सारी एक्सरसाइज डन करनी है। 10 वाले पे मैंने होमवर्क लिखा है, तो आपको होमवर्क में ये खुद करना है। कैसे करेंगे, पिक्चर आपको दी हुई है, दो बॉक्सेस के बीच में बॉल है, तो उसको आप क्या कहेंगे? जब दो चीज़ों के दरमियान में कोई चीज़ होती है तो हम इंग्लिश में कौन सा वर्ड है जो यूज़ करते हैं, वो आपको यहाँ लिखना है। आपको यहाँ पर उसकी जो है चॉइसेस भी दे दी गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्क बुक की वर्किंग। टेक्स्ट बुक की वर्किंग डन हो चुकी है। वर्क बुक की वर्किंग के लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 50 पर। यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, और नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कंप्लीट द स्टोरी बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, गिव अ सूटेबल टाइटल टू द स्टोरी। आपको यहाँ पर एक वर्ड बैंक दिया हुआ है जिसमें अलग अलग वर्ड्स हैं, और नीचे आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इन पैराग्राफ में आपको जो वर्ड बैंक आपको दिया गया है उन वर्ड्स को पुट करना है सही डैश में, यानी कब कौन सा वर्ड आएगा वो आपको पुट करना है। 6 मैंने करके दिए हैं, बाकी आप लोगों को खुद करना है। मैं समझा देती हूँ। इट वॉज आफ्टरनून, यानी शाम का वक्त था, दोपहर का वक्त था। द डैश वॉज एट इट्स डैश, यानी रोड जो है वो बिल्कुल भरा हुआ था, पीक पर था। द रोड वॉज ट्रूली जैम, यानी रोड बहुत जैम था ट्रैफिक का। राहिम विल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, राहिम अपने स्कूल से वापस आ रहा था। सो एन ओल्ड मैन, मैंने यहाँ पर डैश इसमें वर्ड बैंक में से मैंने ओल्ड मैन यहाँ लिख दिया। ओल्ड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द रोड, यानी एक बूढ़ा आदमी जो है वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। अब उसके आगे का डैश जो है वो आपको खुद ढूंढ के इसमें लिखना है। राहिम एट वंस रन टू डैश हिम एंड सेड, यानी राहिम उनकी हेल्प के लिए भागा। इस तरह आपको इसमें से वर्ड्स चूज करने हैं और इन ब्लैंक्स में आपको फिल करने हैं। देन उसके बाद नीचे आपको दिया गया है टाइटल ऑफ द स्टोरी, ये मैंने यहाँ पर होमवर्क लिखा है। टाइटल ऑफ द स्टोरी का मतलब है कि आपको जो स्टोरी दी गई है इसका आपको नाम यहाँ पे लिखना है, कोई अच्छा सा नाम जो है इस स्टोरी को आप देंगे, और उस स्टोरी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स नज़र आ रहे हैं। एट वॉट टाइम ऑफ द डे इट वॉज, जो स्टोरी मैंने आपको समझाई उसमें कौन सा वक्त दिया गया है, आफ्टरनून, यहाँ मैंने लिख दिया है आफ्टरनून। वाई वॉज राहिम अफ्रेड एंड रन टू द ओल्ड मैन, राहिम जो है वो डरा हुआ क्यों था और वो बूढ़े आदमी के पास क्यों गया? बिकॉज द रोड वॉज टूली जैम, क्योंकि रोड जो है वो बहुत जैम था, ट्रैफिक बहुत भरा हुआ था। हाउ डिड द ओल्ड मैन फील अबाउट राहिम्स एक्शन, यानी ओल्ड मैन को राहिम के एक्शन पर कैसा महसूस हुआ? वो उससे बहुत अच्छा महसूस हुआ, ही फील ग्रेटफुल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यानी डी वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को खुद करना है। वॉट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आपको इस स्टोरी से क्या सबक मिला, ये आपको आंसर खुद लिखना है होमवर्क पर। उसके बाद आ जाएं एक्सरसाइज बी पर। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, टिक द वर्ड अंडर ईच पिक्चर विच डिस्क्राइब द पिक्चर। 3 पिक्चर आपको दी गई है। ये है जूते का सोल, जो हमारे शूज में जो एक कवर होता है उसको हम कहते हैं सोल, उसकी सही स्पेलिंग पे आपको सर्कल करना है या टिक करना है। ये है पैर यानी फीट, तो फीट की सही स्पेलिंग पर आपको टिक करना है। और ये है हेयर यानी खरगोश, इसकी भी सही स्पेलिंग पर आपको टिक करना है। देन एक्सरसाइज सी पर आ जाएं। एक्सरसाइज सी है चूज फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा रैप रैप, मतलब इनकी साउंड सेम है लेकिन इनकी स्पेलिंग्स अलग है। एडवाइज एडवाइज, दोनों की साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग सबके अलग अलग हैं। तो अब आपको ये एक्सरसाइज होमवर्क में करनी है। कुछ मैंने आपको करके बता दी है, कैसे करेंगे इसको, इसको आपको करना है, आपको सेंटेंस अच्छे से पढ़ना है। माई चिल्ड्रन लव टू रीड डैश इन देयर फ्री टाइम, यानी मेरे बच्चों को फ्री टाइम में स्टोरीज पढ़ना पसंद है। तो स्टोरीज की कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर आएगी, ये वाली STORIES, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। द किंग असेंडेड द डैश, किंग का क्या होता है, ताज होता है, थ्रोन होता है, तो थ्रोन की ये वाली स्पेलिंग आएगी, तो मैंने यहाँ पर ये वाली स्पेलिंग लिख दी है।
ही हैज डैश ऑल द गार्बेज इन द डस्टबिन, यानी उसने सारा कचरा जो है वो डस्टबिन में फेंक दिया। तो फेंकने को हम कहते हैं थ्रोन। अब देखें यहाँ पर थ्रोन की स्पेलिंग अलग थी, यहाँ पर थ्रोन की स्पेलिंग अलग है। अब दोनों का साउंड प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, लेकिन स्पेलिंग दोनों की अलग है और मीनिंग भी दोनों का अलग है। तो इस तरह आपको सारे सेंटेंसेस में अलग अलग वर्ड्स जो है वो पुट करने हैं। आपको खुद देखना है कि कौन सा वर्ड किस ब्लैंक में आएगा। पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 पर ऊपर हाफ एक्सरसाइज वही वाली है। देन उसके बाद एक्सरसाइज डी, टिक द करेक्ट वर्ड, टिक द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग पे आपको सिर्फ टिक करना है या सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट है सेपरेट की स्पेलिंग ये होती है, तो इस पे मैंने सर्कल कर दिया है, आप चाहें तो टिक भी लगा सकते हैं। बिगिनिंग की सही स्पेलिंग ये है, तो मैंने इस पे सर्कल कर दिया है। उसके बाद थर्ड से लेकर टेंथ तक आपको खुद करना है, सही स्पेलिंग्स पे बस आपको सर्कल या टिक करते जाना है। जैसे ग्रेटफुल की सही स्पेलिंग ये है, तो मैंने इस पे टिक कर दिया। कुछ भी लगा दें आप, टिक लगा दें या सर्कल लगा दें। एक्सरसाइज ई पर आ जाएं। एक्सरसाइज ई है आप लोगों की, कंप्लीट ईच सेंटेंसेस यूजिंग ए और एन। ए एन एन आपको पता होना चाहिए कि ये हमेशा लगता है वॉवल से पहले। वॉवल हमारे क्या है, ए ई आई ओ यू, और ए जो है हम किसी भी आम चीज़ से पहले ए लगाते हैं। कोई भी आम चीज़ हो उससे पहले हम ए लगाते हैं। ब्रिंग मी डैश ग्लास ऑफ वाटर, अब ग्लास है, जी है, जी वॉवल नहीं है, तो उससे पहले हम ए लगा देंगे। शी ड्रॉप डैश एग ऑन द फ्लोर, एग का ई वॉवल है, तो वॉवल से पहले हमेशा हम ए एन एन लगाते हैं। बिल्कुल उसी तरह माई मदर बॉट मी डैश न्यू डॉल लास्ट नाइट, ये वॉवल नहीं है, तो वॉवल से पहले आप आ लगाओगे। माई सिस्टर हैज़ डैश बैड कफ, ये भी वॉवल नहीं है, तो वॉवल से पहले आप लोग एन लगाते हैं, ये वॉवल नहीं है, तो हम यहाँ पर ए लगाएंगे। नेक्स्ट 5 to 8 आप लोगों को खुद करना है। उसके बाद एक्सरसाइज एफ वही प्रेपोजिशन है जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक में भी समझाई थी। 1 to 6 तक की प्रेपोजिशन मैंने आपको करके बता दी है। 7 to 12 तक की जो प्रेपोजिशन है वो आपको यहाँ पर जो ब्रैकेट्स दिए गए हैं उसमें से जो सही होगा उस पर टिक करके आपको डैश में लिखना है। देन एक्सरसाइज सी, सॉरी एक्सरसाइज जी है, राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली इन योर नोटबुक। आपको आपकी कॉपी में जो है एक पैराग्राफ लिखना है, हाउ आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली, यानी आप अपनी फैमिली की कैसे देखभाल करते हैं। नीचे मैंने नोट लिखा है, स्टूडेंट विल राइट दिस पैराग्राफ इन दियर कॉपीज आफ्टर वर्किंग ऑफ दिस चैप्टर। जब आप अपने हैंड आउट का काम कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर का, उसके बाद आपको हाउ आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली पर एक पैराग्राफ लिखना है कि आप अपनी फैमिली की कैसे देखभाल करते हैं। यहाँ तक की वर्किंग आपको अच्छे से डन करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की वर्किंग करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।